हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं छतरपुर का खजुराहो। तीन प्रमुख यूनेस्को साइट्स एमपी में स्थित हैं, जिसमें पहला है खजुराहो, दूसरा है सांची स्तूप और तीसरा है भीमबेटिका की गुफाएं। तो इनको हम पहले देखेंगे। तो खजुराहो कहाँ पर स्थित है? खजुराहो है हमारा छतरपुर जिले में आता है खजुराहो, ठीक है। इसे 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और अगला है हमारा सांची स्तूप, जो कि रायसेन ज़िले में स्थित है। रायसेन ज़िले में दो यूनेस्को साइट्स स्थित हैं, वो कौन कौन सी है? पहला है हमारा सांची और दूसरा है भीमबेटिका की गुफाएं। सांची को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? ये शामिल किया गया 1989 में, और भीमबेटिका को 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। ये हमारे प्रमुख होगा यूनेस्को साइट्स। इसके बाद हम अगला देखते हैं। इसके बाद हमारा है मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सिवनी डिस्ट्रिक्ट को, मध्य प्रदेश का लखनऊ, ठीक है। और अगला है हमारा कि अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट है, तो अमरकंटक जो है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, सॉरी अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, जहाँ से सोन नदी निकलती है और जहाँ से जोजिला नदी निकलती है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा स्थान है या उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से तीन नदियाँ निकलती हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अमरकंटक। कौन कौन सी नदी निकलती है? सोन, नर्मदा और जोजिला, ठीक है। अगला ज़िला देखते हैं हम, ये है हमारा चित्रकूट। चित्रकूट जिला जो सॉरी चित्रकूट जो है धार्मिक स्थल, ये हमारे सतना जिले में स्थित है। चित्रकूट कहाँ पर स्थित है? सतना में। यह बहुत ही पौराणिक स्थल है। यहाँ पर श्री राम भगवान ने अपना वनवास का कुछ समय बिताया था, और यहाँ पर गुप्त गोदावरी स्थित है। अगला देखते हैं हम, अगला पर्यटन स्थल है हमारा मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी किसे कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कहा जाता है शिवपुरी को, मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी, ठीक है। अगला है हमारा कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो उदयगिरी की गुफाएं हैं विदिशा ज़िले में। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा ज़िले में स्थित हैं। ये जो हैं यहाँ पर 20 गुफाएं हैं जो हिंदू व जैन धर्म से संबंधित हैं। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं? विदिशा में। अगला पर्यटन स्थल हमारा हो जाएगा भर्तृहरि की गुफाएं और महाकाल की नगरी, ये है उज्जैन। उज्जैन को क्या कहा जाता है? महाकाल की नगरी। और यहाँ पर है भर्तृहरि की गुफाएं, कहाँ? उज्जैन में, ठीक है। अगला देखते हैं हम, हमारा अगला पर्यटन स्थल है मांडू, जो कहाँ पर है? धार जिले में स्थित है मांडू। यहाँ पर बहुत सारे महल हैं, इसलिए इसे महलों का शहर, मछली की नगरी, सिटी ऑफ जाय और करीम बाग के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं हम, बावन गजा। बावन गजा है बड़वानी में। ये क्यों प्रसिद्ध है? यह एक जैन तीर्थ स्थल है। अगला देखते हैं हम, गुप्त काशी। गुप्त काशी है पश्चिमी निमाड़, जिसे खरगोन भी कहा जाता है, यहाँ पर स्थित है गुप्त काशी। अगला हम बात करेंगे
चंदेरी, चंदेरी की जो साड़ियाँ हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। चंदेरी किस जिले में स्थित है? ये है हमारा अशोकनगर में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में किस जगह की साड़ियों पर पेटेंट प्राप्त है, तो ये हो जाएगा चंदेरी। अगला देखते हैं हम, अगला पर्यटन स्थल है हमारा ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है? ये है खंडवा में, जिसे पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं पचमढ़ी। पचमढ़ी जिसे सतपुड़ा की राजधानी भी कहते हैं, पचमढ़ी जो है वो होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है पचमढ़ी? पचमढ़ी है होशंगाबाद जिले में। ठीक है, यह जो है पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है पचमढ़ी को। यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, और मतलब धार्मिक भी हैं और दर्शनीय स्थल हैं, जैसे बड़ा महादेव, जटाशंकर महादेव, ये सारे धार्मिक स्थल हैं पचमढ़ी में। थैंक यू गाइस, ये कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल थे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।